अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू दी शेख्स। हाँ जी, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि चावल मैंने सोख करके रखे थे और वो अब मैंने उसका पानी फेंक दिया है। अब ये चावल मैं डालने जा रही हूँ पुलाव बिरयानी के मसाले में। okay. मैं बना रही हूँ पुलाव बिरयानी, ये तो मैं आपको बताना ही भूली। okay. बस बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना है क्योंकि बेबी को अभी इन्होंने सुलाया है महत को, तो बस जल्दी से चावल डालते हैं और जल्दी से इसका पानी खुश करके और इसको दम पे रखते हैं क्योंकि बेबी के साथ ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, ओके। और यहाँ पे यखनी तैयार है, बस यखनी इसमें डलेगी। यहाँ रायता बन चुका है। रायते में मैंने सिर्फ पिसी हुई काली मिर्चें, नमक, कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी और ज़ीरा डाला है। ठीक है, अब बस चावल रेडी होंगे, रायता हमारा रेडी है और फिर हम सर्व करेंगे, जल्दी से खाएंगे, भूख बहुत लग रही है। 2000 years later. हाँ जी, तो आपकी बहन ने पुलाव बिरयानी बना ली है, कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और एक और बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, वो ये कि अभी जो मैंने व्लॉग एडिट किया है थोड़ा सा मीम्स वगैरह डाल के थोड़ा एंटरटेनिंग करने के लिए, तो आप लोगों को पसंद आए तो कॉमेंट में लाजमी बताइएगा। हाँ, तो अभी है दोपहर का टाइम और हम लोग मिक्स सब्ज़ी खा रहे थे। हम लोग से मुराद मैं, मेरा भाई और मेरी बहन आई हुई थी। तो यहाँ पे माँ साहब कैरी कॉर्ड में बड़े मज़े से लेटे हुए हैं क्योंकि इससे पहले वो हमें बहुत तंग कर चुके थे। तो यहाँ हम ये मिक्स सब्ज़ी इंजॉय कर रहे हैं जो मेरी अम्मी ने बनाई थी और बहुत मज़े की थी। अब माँ साहब अपने मामू के साथ फुल इंजॉय कर रहे हैं अपना मी टाइम, जो वो रोज़ अपने मामू के साथ खेलते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। हाँ जी, तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि इन्होंने आज रात में कुकिंग करने का सोच लिया है और ये बना रहे हैं कलेजी, फ्राई कलेजी बना रहे हैं। तो महत साहब आज हमें बहुत तंग कर रहे थे और इनको हमने सुला भी दिया था लेकिन ये फिर भी उठ चुके हैं और ये इनको बस मम्मा चाहिए और ये मम्मा 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 कर रहे हैं। और अपने पापा की गोद में गए थे तो उनकी गोद से मम्मा के पास नहीं आ रहे थे, अभी मम्मा के पास लेटे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि मैं कुकिंग कर लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये क्या बना रहे हैं और किस तरह बना रहे हैं, तो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी और दूसरा हमारी कुकिंग भी हो जाएगी, फिर हम डिनर करेंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं किचन में और आप लोगों को दिखाते हैं। और हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? मैं तैयारी कर रहा हूँ, मिर्चें काट ली है मैंने, कलेजी बना रहा हूँ, तवा कलेजी। ओह माय गॉड, हाँ जी, ये है, एक मिनट। अच्छा, अभी आपने क्या किया? मैंने अभी कलेजी के पीसेस करके यहाँ रख दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने लहसुन निकाल लिए और हरी मिर्ची इस तरह लंबी लंबी काट ली है। ठीक है, अब इसमें मैं डालने लगा हूँ और इसको फिर हम मैरिनेट करके रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डालते हैं सफ़ेद ज़ीरा, ज़ीरा ही है ना, हाँ ज़ीरा है, ये डाल दिया हमने इसमें आधा, क्या बोलते हैं इसको, टेबल स्पून, टीस्पून, मतलब एक टीस्पून डाल दिया ना। अच्छा, उसके बाद लेंगे हम साबुत धनिया और साबुत धनिया ना ऐसे करके हल्का सा क्रश कर लेंगे, हल्का सा हाथ से मसल लेंगे इसको। अच्छा, ये वाला जो है ना साबुत धनिया बड़ा नहीं है जैसा होता है ना, तो उसकी वजह से इसको क्रश करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है। हाँ, लेकिन देखो काफ़ी हद तक तो हो गया है और कुछ जो है ना नहीं हो रहा है, खैर हो गई वो, लेकिन तो फ्लेवर अच्छा आ जाता है इससे। हाँ, ये लिया, ये डाल दिया इसमें थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हम लेंगे, जब उसके बाद जो नेक्स्ट लेंगे हम लेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। सही, और ये कुटी हुई मिर्चें लेंगे हम एक, ये बाकी देखें, ये तो मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, जिसको जैसा टेस्ट पसंद वो अपने हिसाब से मिर्च वगैरह
रख सकते हैं, ठीक है। उसमें हम डालेंगे नमक हसबे जायका, जिसको जैसा पसंद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हाँ, मैं इसमें रखूँगा कम, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो कम नहीं कर सकते, कम होगा तो हम अलग से उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया, बंद ही नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसे रखने में कर दूँगी। चलो ये हो गया, अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें और छिला हुआ लहसुन, ठीक है। इसमें डाला हमने सिरका, इसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला था तो अब वो ऐड कर रहे हैं। एक टेबल स्पून, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं इसको मिक्स करूंगा और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैरिनेट के लिए रखूंगा। कितने टाइम? तकरीबन आधा घंटा। सही है, और उसके बाद जब फ्राई करेंगे फिर आप लोगों से मिलते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से, आपको दिखाएंगे, ठीक है। ओके। हाँ जी, तो अभी मम्मा गई थी किचन में क्योंकि पापा रेसिपी रिकॉर्ड कर रहे थे, तो यहाँ ये शुरू हो गया है। हाँ, लोई लोई शुरू हो गई है भाई। महत ने रोई रोई शुरू कर दी है कि मम्मा कहाँ चली गई महत को छोड़ के, है ना भाई। और कैमरा देख के महत साहब चुप हो गए हैं, नहीं चुप हुए, अब ये मम्मा की गोदी में आने के लिए कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने मैरिनेशन के लिए रख दिए जलेजी, फिर जब फाइनली हम फ्राई करना शुरू करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल जो है मैं यूज़ करता हूँ, यानी हमारे यहाँ यूज़ होता है ईवा। ओके। मैं यूज़ करता हूँ, मतलब हम यूज़ करते हैं ईवा कुकिंग ऑयल, बहुत अच्छा है ये। अब बकौल इनके कि 0 ग्राम जो है वो उसके अंदर ट्रांसफैट होता है, अल्लाह वल्ला आलम, लेकिन ये वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन तेल बहुत अच्छा है, तेल को ना देख के अंदाजा हो जाता है उसकी क्वालिटी का। प्राइस में भी बहुत अच्छा है, आम कुकिंग ऑयल जो मिल जाएगा 500 रुपए का, तो ये 550-600 रुपए का। आप जो है ना टिपिकल शेक वाली बात कर रहे हैं, वैसे शेक कंजूस होते हैं ये कहा जाता है, कंजूसी की नहीं है किफायतशारी की होती है। अच्छा। हाँ, सेहत के लिए नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। और मैं कंजूसी नहीं करता, मैं जो हूँ ना सारी चीजें देखभाल के करता हूँ। बात बुरी लग गई। बुरी नहीं लगी, मतलब कहने का यार कि अब देखो कंपैरिजन करना चाहिए ना, ये दुकानदार बेच रहा है 400 का, ये 450 का, 500 का, तो उसमें कोई ना कोई तो बात होगी ना। अच्छा बात सुने, ये मेरी गोद में जो एक मखलूक है ना, बड़ी मुश्किल से मैंने कैमरा पकड़ा। हाँ, तो तुम एक काम करो ना, तुम थोड़ा अंदर बैठ जाओ जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है, फिर मैं इसमें बनाता हूँ, फिर आपको बुला लूँ, फिर बन दे वीडियो शूट कर लेना। सही है, ठीक है, ओके। 2000 years later.